ये है लॉकडाउन का असर। लेट्स गो ऊपर बिल्डिंग के और फिर बात करते आगे के टॉपिक के ऊपर जो हमारे रियल हीरोज हैं। सो गाइस 21 डेज में से आज का 7 डे है लॉकडाउन का और मोदी जी के वजह से ये जो लॉकडाउन जो इतना बड़ा स्टेप लिया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, ये आप लोगों को सबको पता है। फिर भी जो आज रेशियो है कोरोना वायरस का वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, 1200 से 1300 के आसपास आ चुका है आज, राइट। और इसे जो इन 4 to 5 days, 7 days में मेरे को ये चीज़ समझा है कि हम तो घर पे बैठ रहे लेकिन हमारे पीछे काफ़ी लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, ब्रदर्स हो गए, इवन एवरी हॉस्पिटल, मेडिकल्स, शॉप्स, देन हमारे जो आर्मीज, पुलिस, इतने सपोर्टिव सिस्टम्स, इवन सफाई कर्मचारी, लोग सड़कों पे आ रहे, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। किस लिए? हम इस इंडिया को क्लीन करने के लिए, कि ताकि प्रॉपरली क्लीन हो, कि ताकि प्रॉपरली इसे वेल मैनेज हो, इंडिया फाइट जो कर रहा है कोरोना से, ये सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली भी कितनी फिकर करती होगी, इनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। देखो मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने इन 21 डेज का लॉकडाउन इसके लिए किया है कि ताकि कहाँ पे भी कोई भी प्लेसेस पे, चाहे वो चॉल्स हो, बस हो, ट्रेन्स हो, या फिर रोड्स पे कई कार रखे हो, बाइक्स रखे हो, ऐसे काफ़ी पब्लिक्स अगर एक दूसरे से मिलेंगे, अगर वो इफेक्टेड है कोरोना से, आप पे कहीं पे टच करोगे तो वो वायरस जो एक्टिव रहेगा वो पर्टिकुलर प्लेस पे, वो अगर आप लोग टच कर लोगे और गलती से वो अपने आँखों में या माउथ में वो हाथ डाल दोगे तो आप उससे भी इफेक्ट हो जाओगे। तो ये जो 21 डेज का लॉकडाउन है इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन पता है? कॉरपोरेटर, जहाँ पे उनको अपनी जो कॉरपोरेट का जो वार्ड दिया हुआ है उनको उसके हिसाब से उनको पूरा क्लीन करना चाहिए, पूरी सैनिटाइज करना चाहिए, और ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। हमारे एरिया की घाटकोपर वार्ड नंबर 131 के नगर सेविका कॉरपोरेटर राखी जाधव और साथ ही में उनके हस्बैंड जो इतना सपोर्टिव है सतीश सालियन, वो भी उनके टीम के साथ, और अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए और उनके सारे टीम्स को, क्योंकि जहाँ पे भी घाटकोपर इस वार्ड में जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्लेइंग एरियाज हो चिल्ड्रंस के, चाहे वो ग्राउंड्स हो, या फिर हर एक प्लेस को, मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। इवन उन्होंने काफ़ी अच्छा सा एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी काफ़ी लेके अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड है अरुण कुमार वैद्यम है, वहाँ पे जितने भी सब सब्जी मार्केट वाले थे, मतलब जो भी वेंडर्स थे, जो भी सब्जी बेचने वाले हैं, वो लोग को वहाँ पे काफ़ी दूर दूर से उनको उनकी सब्जी बेचने के लिए परमिशन दिया हुआ है। अब ये वीडियो में देखो और समझो कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया हुआ है कि ताकि कोरोना वायरस से फाइट करे, और ये सिर्फ घाटकोपर की बात नहीं है, ये हर एक प्लेस पे होना चाहिए। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब ये मेरी बिल्डिंग में सैनिटाइज हो रहा था ना, उस समय पे इनको किसी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि हमारी बिल्डिंग में सैनिटाइज करो, अभी तक हमारे यहाँ पे किसी कॉरपोरेटर ने ये सब इनिशिएटिव नहीं लिया है। सो उनका एक ही जवाब था कि डोंट वरी, हम लोग ये काम कर देंगे, बट वो वार्ड हमारा नहीं है, फिर भी विल कम एंड डू फॉर यू टुडे और बाय टुमारो, सिंपल सा वर्ड उन्होंने कहा और सामने से फ़ोन रख दिया। इसका मतलब यही होता है कि वो इस प्रॉब्लम्स में, इस सॉल्यूशंस में वार्ड नहीं देखा जाता है, सबको हेल्प करना चाहती है, और ये नेचर उनका बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे तरफ से, मेरे व्यूवर्स के और मेरे पूरे घाटकोपर के तरफ से। और गाइज ये वीडियो मेरे को सिर्फ अप्रिशिएट उनको करने के लिए बनाना था, क्योंकि हम लोग बहुत ही लकी है कि ऐसे कॉरपोरेटर हम लोग को मिले हैं जो हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं और हमेशा हम लोग से प्यार करते हैं। सो इसी बात पे इस वीडियो का एटलीस्ट 500 लाइक्स के ऊपर तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉरपोरेटर राखी जाधव जो कर रहे हैं और उनकी जो टीम कर रही है सतीश सालियन सर के साथ मिलके, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ को लेके बाकी जो एरियाज है जहाँ पे मैंने पता लगाया कि वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल नायडू कॉलोनी इज डिफरेंट पार्ट ऑफ आर वार्ड देन गारुड़िया, एंड और भी ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मुझे अभी तक न्यूज़ में तो पता ही नहीं चला है कि कहीं पे सैनिटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट इन्होंने इनिशिएटिव लिया है फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग, 21 के पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया था। और थैंक यू मैं एक बार आखिरी बार वापस आपको बोल रहा हूँ, थैंक यू, कितना भी आपको थैंक यू बोलूँ राखी दीदी वो कमी है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना स्प्रेड करें ना घाटकोपर में, कि ताकि है ना सब लोग को पता चले कि राखी दीदी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। ओके सो गाइज बी हैप्पी, बी सेफ,
मास्क का यूज़ करो, 1 फीट की दूरी पे बातें करो और अपना ध्यान दो, फैमिलीज का भी ध्यान दो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, जय हिंद।